गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऋषिकेश राइटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजू। आज है 22 मई 2022 और मैं इस समय हूं जीबी के अपने रिजॉर्ट में ग्रीन एल्पाइन में। तो रात में ही रुका था, तो सुबह के बज गए 8। नहा धो लिया हूं, तैयार हो गया हूं। रात में नींद बहुत अच्छी आई, बहुत प्यारी आई, बहुत सुकून मिला, क्योंकि जस्ट बगल में झरना आया, जीवी वाटरफॉल है इस रिजॉर्ट के, तो बहुत सुकून की नींद आई है। और क्योंकि हरियाली के बीच है, प्रकृति के बीच है, तो बड़ा सुकून मिला। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम है, अभी 8:30 बजे होगा ब्रेकफास्ट यहाँ पर। 8:30-9 बजे करीब ब्रेकफास्ट करके यहाँ बगल में ही जस्ट 10 मिनट के रास्ते पर जीवी वाटरफॉल है यहाँ पर, एक वहाँ पर जाऊँगा। मित्रों सुबह के 8:45 बज चुके हैं और हम अपने रूम से आकर अब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा आपको इस रिसोर्ट के बारे में भी दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। कैसा बेटा, गुड मॉर्निंग। ये बच्चा है यहाँ काम, क्या नाम है? हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? मिंटू ठाकुर। मिंटू ठाकुर हैं ये, यहाँ से बंजार से यहाँ काम करते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये देखिए फूल वगैरह, और ये देखिए इस पिलर पे आप कैसे पत्थर से कट कट के बनाया हुआ है ये यहाँ का। अब मैं आपको रिसेप्शन दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये कैरम बोर्ड मेहमानों की खेलने का, और ये चेस रखा हुआ है। ये यहाँ का रिसेप्शन है, ये रूम वगैरह है नीचे, जैसे मैंने आपको दिखाए थे यहाँ वो है रूम इस टाइप के, और ये रिसेप्शन है। ये देखिए आप, और ऊपर जाके स्टेयर जाके रेस्टोरेंट है यहाँ पर। बहुत साफ सुथरा है, सफाई का विशेष ध्यान है यहाँ पर। यहाँ रूम से और ये ऊपर से देखिए रिसेप्शन, यहाँ किचन है, और ये डाइनिंग हॉल है। ये देखिए विद मक्खन, और ये बेटा ले आया ऑमलेट, रख दीजिए। और ये चाय है, और ये सामने से हमारा ट्री हाउस दिख रहा है सुंदर। तो मित्रों चलते हैं जीवी वाटरफॉल। सुबह के 9:15 बज गए हैं, पास ही है यहाँ से, 1-1.5 किलोमीटर ही कह रहे हैं यहाँ घूम के, पैदल तो और पास है। तो जीवी वाटरफॉल जा रहे हैं, आज का पहला हमारा यात्रा का गंतव्य। यहाँ से ये रोड जा रही है जो मेरे लेफ्ट गई है, ये जीवी वाटरफॉल के लिए। सेरी 6 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ से। ये हम आ गए हैं जीवी वाटरफॉल के मेन गेट पर, और ये बिल्कुल पास ही है हमारे रिजॉर्ट के, चंद ही कदमों पे है, बाइक से भी 500 मीटर भी नहीं है। और ये यहाँ पे जब भी आए आप, ये 20 रुपये पर हेड का टिकट लगता है, टिकट लेके आप अंदर जाएंगे। ठीक है, तो हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा खूबसूरत जीवी वाटरफॉल, ये पानी नालियाँ नाली दिख रही है मुझे, और सामने बहुत ही सुंदर देखो पुल बना हुआ है ये नाले के ऊपर। वाओ, दिखाता हूँ फिर मैं आपको। ये देखिए मित्रों, इतना सुंदर जगह पे वाटरफॉल होना चाहिए, मुझे देख के ही एहसास हो रहा है। ये खूबसूरत पानी नाले से आता हुआ, और जगह जगह ये नाले के ऊपर खूबसूरत ब्रिज। आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए, मैंने जब बार बार कह रहा हूँ आपको, ये 2 दिन का तो बहुत अच्छा प्लान आपका बन सकता है जीबी और आसपास। ये देखिए वाओ। तो मित्रों पहुंच गए हैं जीवी वाटरफॉल, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये झरने का पानी इस कुंड में आ रहा है, कुंड से फिर नाले में जा रहा है, ये ऐसे करके आप देखिए, वाओ अमेजिंग।
आप थोड़ी देर मस्ती करते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता रहा था ये है जीबी वाटरफॉल। ये जीबी से यहाँ जीबी है, बहुत बड़ा नहीं, जीबी चंद ही कदमों पे है। आप आइए, जरूर एक्सप्लोर कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। माना हुआ आइए और आप बिल्कुल एंजॉय करोगे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो जरूर आना। बहुत ही बढ़िया, पानी ले लूँ मैं। तो दोस्तों करीब आधा घंटा इस जीबी वाटरफॉल को काफ़ी एंजॉय कराए, काफ़ी महसूस कराए यहाँ की वाइब्रेशन को, बहुत अच्छा लगा। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं मिनी थाईलैंड, जो बताया था, क्योंकि काफ़ी जगह एक्सप्लोर करनी है हमें, तो थोड़ी थोड़ी देर रुक के सारी जगह देखेंगे। तो मैं अब आगे मिलता हूँ आपको मिनी थाईलैंड को। ये देखिए आप, ये झरने जैसे, ये है झरना और ये झरना ऊपर से आ रहा है, इसका पानी ये नाली सी होता हुआ ये कुंड में जा रहा है, और कुंड से आगे देखो कितना खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है ये। तो दोस्तों मिलते हैं आगे। तो दोस्तों जीबी वाटरफॉल देख लिया है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से मिनी थाईलैंड। गूगल पे दिखा रहा है ये करीब 1.25 किलोमीटर दूर यहाँ से, बाइक मेन रोड पे खड़ी हो जाएगी, उसके बाद ये कह रहे हैं ट्रैक करके नीचे जाना है, वो भी बहुत कम जाना है। तो अब आपसे मिलते हैं मिनी थाईलैंड।